नमस्कार, एबीएन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद हम जर्नलिस्ट। आइए डालते हैं कुछ खास खबरों पर एक नजर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंगें, आधे अधूरे बने एक्सप्रेसवे पर मोदी का रोड शो। हिंदुत्व और मोहम्मद अली जिन्ना इन तमाम मुद्दों को उछालने के बावजूद उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया आदित्य योगी नाथ शर्मनाक शिकस्त हुई है। 11 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों के इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट जीत सकी थी। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीटें आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने जीती। बीजेपी ने इन दोनों हलकों में हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा था। वहीं भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी 135 में से सिर्फ 9 किलोमीटर ही बने एक्सप्रेसवे का जबरदस्त रोड शो किया। बागपत में उनके आने के दिन ही गन्ने की कीमत न मिलने के खिलाफ धरने पर बैठे एक काश्तकार की मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद मोदी ने अपनी तकरीर में काश्तकारों को कुछ देने का ऐलान करने के बजाय कांग्रेस पर ही हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में एक परिवार का मतलब देश है, जबकि हमारे लिए पूरा देश हमारा परिवार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कैराना से मिले हुए बागपत में रैली की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की भड़कीले तकरीरें। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता प्रचार प्रसार में नहीं गया। बावजूद इसके कैराना और नूरपुर की जनता ने गठबंधन को चुना। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में